आज बैंक का 56 जनरल हाउस ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हमारा जो बैंक की बैलेंस शीट होती है उसकी फंड्स एलोकेशन होती है, जो प्रॉफिट बैंक ने कमाया है उसकी जो है वो जो मेंबर्स होते हैं जिस हाउस के उनके पास पावर है कि जो भी हमारी सजेशन होती है कि फ्रा फंड में इतना जाएगा, रिजर्व फंड में जाएगा, एजुकेशन फंड में इतना जाएगा, और जो हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एक्ट में है उसको हम जनरल हाउस से पास करवा कर और अपने प्रॉफिट को हम जो है एलोकेट करते हैं। अब मैं आपके थ्रू अपने जो मेंबर्स हैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बैंक हर साल अच्छे प्रॉफिट में ले रहा है। करार इस बैंक का बड़ा अच्छा है, जो हमारा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टिपुलेशन होती है उससे ज़्यादा हमारा करार जो है 14 पॉइंट समथिंग है। हमारा जो प्रॉफिट है वो हैंडसम डिपॉजिट प्रॉफिट ले जा रहा है, और बैंक जो है इस वक्त हमारे जो कस्टमर है वो लगभग 17,000 बैंक के कस्टमर हैं, और इन चीज़ों की तरफ से बैंक की तरफ से हमारे एक ब्रांच और खोलने जा रही है ताकि अपने अपने कस्टमर्स को अपने कंस्टिट्यूंस को जो है वहाँ अपना और ब्रांचेस की सेवाएं प्रदान की जाएँ ताकि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, स्टाफ की रिक्रूटमेंट इत्यादि हो जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये और कहना चाहता हूँ कि बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अभी जो स्मॉल फार्मर्स स्मॉल शॉप कीपर्स हैं उनके लिए फंड्स की एलोकेशन कर रहे हैं ताकि उनको दिन में 40-50 हज़ार लाख तक पैसा दिए जाए, और उनकी जो है वसूली जो है डेली बेसिस पर या दूसरे तीसरे दिन की जाए ताकि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनको कोई वहाँ आने की जरूरत ना पड़े। हमारा बैंक का एम्प्लॉय जो है वो वहाँ जाएगा, दुकान की वो देखेगा, फिजिबिलिटी देखा, वो बायबिलिटी देखेगा, और लोन जो है वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके ताकि करेगा, और हमारा एक स्टाफ वो भी करेगा जो इसकी रिकवरी करता है। और इसके साथ साथ बैंक ने अपना कर्मचारी अपने डिपोजिट्स के लिए ऐसा किया है कि हमारे जैसे अदर बैंक्स में 5 लाख तक इंश्योरेंस है, हमने भी अपने बैंक लोनी वालों को अपने कर्मचारी जो डिपोजिटर्स हैं उनको 5 लाख तक इंश्योर किया हुआ है। इसके साथ साथ बैंक ने एक नई स्कीम जारी की है, उसके मुताबिक जो हम बैंक का लोनी है वो अगर लोन ना दे सके में इंश्योरेंस कवर किया हुआ है ताकि उसका पैसा बैंक का नंबर है उसको भी जो लोनी है उसको भी फायदा हो सके। ये नई स्कीम जो है हमारे बैंक ने पिछले 8-10 दिन से इंट्रोड्यूस की हुई है, और मैं हमारे बैंक में जो रिकवरी प्रोसीजर है वो भी अच्छा चलाया हुआ है। कि यही वजह है कि हम बैंक का आज की डेट में 1.75% नेट NPA हो गया है, जो कि एक बड़ी अच्छी बैंक के लिए फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बड़ी जरूरी था और हमने करके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।